तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग कालका मंदिर जा रहे हैं, तो चलिए आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय दरबार की जय। कालका मंदिर जाने के लिए हम लोग मेट्रो से जाते हैं और हमें कालका जी मेट्रो स्टेशन पे उतरना होता है। मेट्रो से हमें ये लोटस टेम्पल दिखता है, और आपने मेरा लोटस टेम्पल का ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में जाके चेक करें। अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। मेट्रो से उतरने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं और हमें यहाँ भेलपूरी वाले चाचा मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा भेलपूरी खिलाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद हमें ये बोर्ड दिखाई देता है जो मंदिर की ओर इशारा कर रहा है, तो हम लोग मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्री निःशुल्क जूता स्टैंड है जहाँ पे अपना जूता रख सकते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है कालका जी मंदिर। क्या आपको पता है इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि इस जगह को कालका जी के नाम से ही जाना जाता है। अब कालका मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, चलिए आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में माँ काली विराजमान है और माँ काली इस रूप में बहुत ही सुंदर और भव्य लगती है, और कहा जाता है कि माँ काली की ये मूर्ति स्वयंभू है। माँ के दर्शन करने से पहले हम लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं जो कि शुद्ध घी के बने होते हैं, तो अगर आप भी आते हैं तो यहाँ से प्रसाद लेके जरूर जाए। अब मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कालका जी मंदिर यहाँ से बहुत लाइन लगा हुआ है। यहाँ के पंडित से पूछने पे हमें पता चला कि ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है, और इस मंदिर में स्थित माँ काली को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जय दरबार की जय। ज्यादा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग आगे के लिए बढ़ रहे हैं। कोई बैग नहीं लाया, सिर्फ मेरा लावा, सारा सामान हमें को कैरी करना पड़ रहा है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। चलिए कोई बात नहीं, लाइन में लगते हैं, अब मिलते हैं आगे आपसे। अब बस मंदिर के हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, लाइन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलिए, नवरात्रि के समय आपको इस मंदिर में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी के साथ हम लोग मंदिर के अंदर आ रहे हैं, लाइन अंदर आ चुकी है, मिलते हैं आपके मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आने पे कृपया करके आप लाइन में ही चले और भीड़ ना लगाएं, वरना आपको संभालने के लिए यहाँ टॉमी भी बैठे हैं। मंदिर के अंदर आने पे आपको माता रानी के भक्त जन जयकारा और माँ के गुणगान गाते सुनाई देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा लगाकर अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कालका माँ के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ सभी भगवान के दर्शन करते हैं। कालका माँ के हम लोग दर्शन कर लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अगर आपको अपने बच्चों का मुंडन कराना है तो इस जगह पे मुंडन भी किया जाता है। यहाँ पे हवन चल रहा है शिव जी का, भैरव बाबा का, इसका एक हम लोग चक्कर लगा लेते हैं। माता रानी के दर्शन कर चुके हैं अब लोग, अब आगे की ओर निकलते हैं। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है, अब निकल रहे हैं हम लोग आगे के लिए। जय माता दी। यहाँ पे भी एक मंदिर है जिसके अंदर जा रहे हैं। कालका जी मंदिर की सबसे खास बात ये है कि मंदिर सूर्य ग्रहण के समय और मंदिरों के जैसे बंद नहीं किया जाता, और कहा जाता है कि माँ काली के इस मंदिर में आकर आज तक कोई निराश होकर लौटा नहीं है। तो अगर आप भी दिल्ली आए तो इस मंदिर का दर्शन करके जरूर जाए। हम लोग मंदिर के नीचे आ चुके हैं। मंदिर के नीचे आने पे हमें बहुत सारे भगवान के दर्शन होते हैं, और आप भी अब इनके दर्शन कीजिए। मंदिर के नीचे में ही आपको ये बहुत ही अद्भुत शिवलिंग भी देखने को मिलेगा जो कि हजारों साल पुराने हैं। तो सभी भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल चलते हैं बाहर की ओर। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं सब मिलके। जय माता दी। मंदिर के बाहर जाने से पहले हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, और आपने तो सुनी ही होगी वैष्णो देवी की कहानी। माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपका फल प्राप्त होता है। अगर आपको भूख लग रहा है तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलेंगी, चाहे छोले भटूरे हो या फिर चुन्नी वगैरह हो, आप यहीं से अपने पूजा पाठ का सामान लेके जा सकते हैं। बस सब चीज़ आपको खाने को मिल जाएंगे। आपको भूख लग गया तो हम लोग छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। हाँ, रिशु का आइडिया ये खाने का, चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग, आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।